मैं जा रहा हूँ बरोट, जो मेरे घर से 100 किलोमीटर है। वहाँ मैं ट्राउट मछली पकड़ने का प्रयास करूँगा और इस गर्मी के मौसम में वहाँ की ठंडी ठंडी वादियों का आनंद लूँगा। गर्मियों का मौसम है और बर्फ़ पिघल रही है और ये लंबा डग है जिसमें पानी बहुत ज़्यादा है। मैंने अपना पूरा अनुभव झोंक दिया लेकिन फिर भी मैं कोई मछली पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ। लंबा डग खड के साथ साथ चलते हुए मैं लोहारडी से भी आगे निकल गया और मैं पहुंच गया बरोट से 7 किलोमीटर आगे। यहां अंतिम गांव जहां तक सड़क जाती है और इस गांव का नाम है पोलिंग। हाँ, इस गांव का नाम है पोलिंग, बरोट के लोहारडी से भी आगे और यहां रोड ख़त्म हो गया और हम जा रहे हैं पैदल एक साइट पे। वहाँ डे में कैंपिंग करेंगे और थोड़ी फिशिंग करेंगे। बहुत ही सुंदर गांव है ये। आज से 30 साल पहले मैं किन्नौर में जब फर्स्ट अपॉइंटमेंट पे गया था तो ऐसे ही पहाड़ के ऊपर था। 18 किलोमीटर पैदल चल के मुझे जाना पड़ता था और हमें मिल गए हैं हमारे गाइड आज के। गर्मियों का मौसम है, तारीख है 23 मई 2024। बहुत अच्छा मौसम है यहाँ, ना गर्मी ना सर्दी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। परंपरागत तरीके से बने हुए गांव के मकान जिसमें लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। सर्दियों में यहाँ बर्फ पड़ती है इसलिए ईंधन के लिए लकड़ियाँ सारा साल जमा करके रखी जाती हैं। यहाँ मोबाइल का कोई भी सिग्नल नहीं है और मेरे पास ये वॉकी टॉकी है। मेरे वाइफ और बेटी आगे गई है, इसी से कॉन्टेक्ट हो रहा है। हमें सामान लेने फिर वापस आना पड़ा क्योंकि ये लोकल बॉयज़ मिल गए हमें, लोकल बॉयज़ जिन्होंने कहा हम आपको ट्राउट पकड़वाएंगे भी और हम पकड़ेंगे भी। तो अभी हमें यहाँ से कितनी देर लगेगी? आधा घंटा। जी नहीं, चलते रहो, आधा घंटा और लगेगा। चलो गाइस, जाके आगे चलो। जल्दी जल्दी चलो, हमारे गाइड भी और मछलियों के शिकारी भी। लुंगड़ू, लोकल वेजिटेबल, पहाड़ों का खाना, पहाड़ों का एक आयरन युक्त सब्जी जिसे लोकल भाषा में लुंगड़ू कहते हैं। जल्दी चल, हम कोई लुंगड़ू ढूंढने नहीं आए हैं, यहाँ मछलियाँ ढूंढने आए हैं और घूमने। मेरी वाइफ ये लोकल सब्जी इकट्ठी कर रही है। 1-2 किलो लुंगड़ू इकट्ठा कर लिया हमने पहले भी और ये आ रहे हैं हमारे शिकारी। आखिरकार हम पहुंच गए इस ब्यूटीफुल वैली में, ब्यूटीफुल वैली। और ये है मेरे साथ नमन ठाकुर जो बहुत से सवाल कर रहा है मेरे साथ, और ये बाकी टीम मेंबर हमारे। चलो चलो, हेलो हेलो, जिन्हें कहाँ पहुंचे, जल्दी आओ। अरे हम लोग, हाँ बहुत सुंदर व्यू है आगे, जल्दी आओ। ओके, ओवर एंड आउट। नाम क्या है? अर्श। अमन ठाकुर। ये धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इलाका है। मेरी टीम वो आगे चली गई है और मुझे भी बुला रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ वहाँ। मेरे साथ आए स्थानीय युवक मछली पकड़ने में व्यस्त हो गए हैं। इनका मछली पकड़ने का तरीका बेहद सरल है और बहुत ही सस्ता उपाय है ये।
मेरे फिशिंग के महंगे इक्विपमेंट्स, रॉड एंड लाइन इत्यादि यहाँ काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पानी बहुत कम है। अभी तक इन स्थानीय युवकों के हाथ में भी कोई मछली नहीं आई और अब मैं भी चलता हूँ अपनी किस्मत आजमाने। जहाँ कुछ पानी अधिक होगा वहाँ मैं अपने लूअर पानी में डालूँगा। मैंने भी कुछ प्रयास किया लेकिन कोई मछली मेरे हाथ नहीं आई। शायद आज दिन फिशिंग के लिए अच्छा नहीं है। अभी तक स्थानीय मछुआरों को, इन युवकों को भी कोई मछली नहीं लगी है। शहरों के शोर शार से दूर, गाड़ियों की आवाज़ से दूर, प्रकृति की गोद में और इस जल की धारा की मधुर आवाज़ कानों में संगीत की तरह गूंजती है। दोपहर का लगभग 1 बजा है और हमने लंच लिया जो हम पैक करके अपने साथ लाए थे। स्थानीय युवक मछली पकड़ने के लिए नदी के धारा के साथ थोड़ा आगे बढ़ गए हैं और शिकारियों ने शिकार किया। ये ट्राउट लेकर आ रहे हैं मेरे पास। अरे मैं भी चला उधर। हो मुड़ियो। अरे वाह ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया साइज है। शाबाश, परफेक्ट साइज है ये। ये ब्राउन ट्राउट है जो मैं पहली बार देख रहा हूं। हाँ जी, पालमपुर। हाँ बस अब चलते हैं नीचे। स्थानीय महिलाएं भी लुंगड़ू इकट्ठा करने गांव से दूर आई हैं ताकि इन्हें वे सुखा कर सर्दियों में सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करें जब चारों तरफ बर्फ पड़ी होगी। हम वापस गांव आ पहुंचे। या फिर हम वही परंपरागत घर देख सकते हैं जो 2 या 3 मंजिल होते हैं। नीचे वाली मंजिल में ईंधन की लकड़ियां और पशु इत्यादि रहते हैं। पहुंचे हैं अपनी गाड़ी के पास। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आपके लिए हम वीडियोस बनाते रहेंगे। धन्यवाद।